नमस्ते मित्रों, इस प्राणायाम के समय की बात की जाए तो यह समय है अभ्यास के लिए सर्वोत्तम सुबह का समय माना जाता है, जबकि पूरा शरीर हमारा तरोताजा रहता है और मन में बहुत कम विचार तरंग रहती है। और यदि किसी कारणवश सुबह में नहीं हो पा रहा तो सूर्यास्त के तुरंत बाद यानी कि शाम में भी आप कर सकते हैं। प्रशांतक प्राणायाम का अभ्यास रात्रि में सोने से पहले भी किया जा सकता है। प्रतिदिन आप यह ध्यान दीजिए कि हर दिन एक ही समय एक ही स्थान पर नियमित रूप से अभ्यास कीजिए, जिससे एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनेगा, परिणाम मिलेंगे और तभी संपूर्ण लाभ आपको मिलेगा। ऐसा नहीं कि कभी भी कहीं भी किसी भी समय कर लिया, ऐसा आप मत कीजिए। अभ्यास में नियमितता जो कि हमारे सामर्थ्य को भी हमारी पोटेंशियल को बढ़ाता है, हमारे संकल्प शक्ति को बढ़ाता है और इसके साथ ही मित्रों हमारे शरीर और मन को बढ़ी हुई प्राण शक्ति को ग्रहण करने के लिए अनुकूल बनाती है। और प्राणायाम करने में कभी भी हमें शीघ्रता जल्दीबाजी नहीं करना है, यह बड़ा ही धीमा अस्थिर और इसमें प्रगति अत्यावश्यक है, अस्थिर प्रगति। ऐसा नहीं कि पहला दिन ही इतना सेकंड का किया, अगला दिन 4 times कर लिया, ऐसे नहीं है, बिल्कुल भी अस्थिर प्रगति होना चाहिए।